morning students. Now we will discuss some numericals based on Wheatstone's network and application of Kirchhoff's laws. Okay, जैसे number one, first numerical देखिए, four resistances 20 ohm, 20 ohm, 20 ohm and 25 ohm forms a Wheatstone's network. What shunt is needed across 25 ohm resistance to balance the network? अब देखिए यहाँ पर, like this is R1, R2, R3 and R4. Like this is R1, R2, R3, R4. Okay student. Now values 20 ohm, 20 ohm, 20 ohm और R4 की वैल्यू कितनी है? 25 ohm. अब यहाँ पर फोर रेजिस्टेंसेस हैं. Now what shunt is needed across 25 resistance to balance the network? इसका मतलब ये network अभी बैलेंस नहीं है. R1 by R2 is equal to R3 by R4 होना चाहिए. देखिए 20 by 20 रेशियो वन आता है, 20 by 25 रेशियो वन आता है क्या? नहीं, मतलब ये बैलेंस नहीं. अब इस नेटवर्क को बैलेंस करना है तो what shunt is needed across 25 to balance the network? मतलब यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? पैरेलल. ओके, तो अक्रॉस 25 ओम यहां पर कितना रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना होगा सो दैट द नेटवर्क विल बी बैलेंस्ड. तो ये नेटवर्क बैलेंस हो जाएगी. लेट अक्रॉस 25 ओम एक्स ओम इज कनेक्टेड. तो यहां पर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी. मतलब देखिए अब 25 और ये अननोन रेजिस्टेंस इसका इक्वेलेंट कितना आना चाहिए? 20. Why? Because R1 by R2, 20 upon 20 ratio 1 हो गया. अब R3 by R4 और ये combination, okay? तो इनका ratio भी कितना आना चाहिए? 1. अगर R3 की value 20 है, तो इसका combination कितना आना चाहिए? 20. So that 20 upon 20, 1 ratio आएगा. तो इसका मतलब आपको clear हो रहा है. तो X की value ऐसी यहाँ पर रहेगी कि X और 25 इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए, राइट? तो ये हम X की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं. देखिए 25 और X इनका इक्विवेलेंट पहले निकाल लेते हैं. ओके, तो 25 और X पैरेलल है तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 25 प्लस 1 अपॉन X. 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 25 प्लस X divided by 25x. therefore RP की वैल्यू क्या होगी? 25x divided by 25 plus x. ठीक है, अब इसका equivalent, okay, इसका equivalent कितना हो गया यहाँ पर? RP. मतलब अब R1, R2, R3 और RP, okay, ये balance condition में हो जाएगा. देखिए in balance condition, in balance condition R1 by R2 is equal to R3 by R4. अब यहाँ पर इसका equivalent लेना है हमें, that is RP. okay, अब इनकी values रखते हैं. यहाँ पर R1 20, R2 20 is equal to R3 20 divided by, अब R4 मतलब 25x divided by 25 plus x, 20 20 cancel. ओके, तो 1 हो गया यहाँ पर, 1 into this, that is 25x divided by 25 plus x is equal to 20. ओके, और 25x is equal to, अब 20 से इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 20 in bracket 25 plus x, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी. देखिए 25x is equal 20 into 25 कितना होगा? 500 plus 20x. ओके, अब 25 ये इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा तो 5x is equal to 500. therefore x की वैल्यू कितनी होगी? 100 ओम. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्लियर कीजिए. अगर 25 और 100
25 के अक्रॉस अगर हम 100 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं पैरेलल, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा? 1/25 + 1/100 x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 है ना। 1/25 + 1/100 मतलब क्या होगा? डिनोमिनेटर एलसीएम 100, तो यहां पर कितना आएगा? 25 × 4 = 100, 4 + 1 = 5, 5/100 दैट इज 1/20, तो आरपी की वैल्यू कितनी आएगी? 20। ओके, तो 25 ओम को अगर हम 100 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट करते तो इसका रिजल्टेंट आएगा फिर 20, देन 20/20 1। ओके, तो ये इसका मतलब होता है। व्हाट शंट इज नीडेड अक्रॉस 25 रेजिस्टेंस टू बैलेंस द नेटवर्क दैट इज 100 ओम। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड न्यूमेरिकल नो, फाइंड करंट्स थ्रू गैलोनोमीटर एंड रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4 इन व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। ठीक है, सपोज यहां पर ये रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4। ओके, तो करंट्स निकालने हैं यहां पर, करंट्स पासिंग थ्रू गैलोनोमीटर एंड द रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4, मतलब 5 करंट्स की वैल्यू हमें निकालने हैं। ठीक है, नाउ दिस इज सेल प्लस माइनस, अगर हम प्लग की क्लोज करते हैं तो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो दिस करंट I। ओके, अब I की वैल्यू कितनी दी है यहां पर? 10 mA। कितने? 10 mA। ओके, तो पहले करंट की डायरेक्शन और स्प्लिटिंग एंड कॉम्बिनेशन यहां पर ड्राफ्ट करते हैं। देखिए, ए जंक्शन पर करंट आई मतलब 10 mA, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेट करंट पासिंग थ्रू R1 इज I1। ठीक है, अब करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R2 कितना होगा? देखिए, टोटल करंट 10 mA है, R1 थ्रू करंट I1 पास होता है, तो रिमेनिंग करंट कितना होगा? 10 - I1, तो यहां से करंट कितना पास होगा फिर? 10 - I1। राइट, अब एट बी जंक्शन कितना करंट आता है? I1, और I1 करंट इज अप्रोचिंग, तो यहां पर ये स्प्लिटिंग हो जाएगा। ओके, लेट करंट पासिंग थ्रू गैलोमीटर इज IG, जी सफिक्स यहां पर गैलोमीटर के लिए, IG करंट पासिंग थ्रू गैलोमीटर, तो अलोंग BC या थ्रू रेजिस्टेंस R3 कितना करंट पास होगा? I1 करंट में से IG करंट यहां पर चला गया, मतलब रिमेनिंग कितना होगा यहां पर? I1 - IG। ठीक है, देन अब जंक्शन डी पर देखिए, 10 - I1 करंट इज अप्रोचिंग, यहां से IG करंट इज अप्रोचिंग, दोनों करंट अप्रोचिंग है, तो कंबाइन होने के बाद ये R4 में से पास होगा, तो इन दोनों की एडिशन क्या होगी? देखिए, 10 - I1 + IG, इतना करंट। ओके, 10 देखिए, यहां से 10 - I1 आ रहा है, यहां से IG, दोनों की एडिशन होगी 10 - I1 + IG। ओके, और सी पॉइंट पर क्या होगा फिर? I1 - IG। ओके, और यहां से कितना आता है? 10 - I1 + IG, तो ये -IG + IG कैंसिल हो जाएगा, +I1 - I1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल करंट कितना होगा फिर? 10 mA। राइट, तो यहां पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ ने अप्लाई किया है। अब करंट्स निकालने हमें, फाइंड करंट्स थ्रू गैल्वेनोमीटर मतलब IG की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देन रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 R4 मतलब R1 में से करंट कितना पास होता है? I1 की वैल्यू निकालनी है, ये सेकंड, देन R2 में से कितना करंट पास होगा? 10 - I1, अगर I1 फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू 10 में से माइनस करनी होगी, तो ये करंट निकल जाएगा, फिर ये करंट भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। राइट, अब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अगर हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, ओके, तो हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, तो यहां पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमें अप्लाई करना होगा। ठीक है, बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मतलब सेकंड लॉ। ओके, अब यहां पर दो लूप से देखिए, ए बी डी ए,
और दूसरा बी सी डी बी, तो एक एक लूप पर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लूप ए बी डी ए, ये वाला लूप देखिए, ए टू बी, बी डी डी ए, ये लूप। साइन कन्वेंशन सबको पता ही है। अब ए टू बी हमें जाना है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस, तो माइनस आई वन आर वन, बिकॉज करंट आई वन रेजिस्टेंस आर वन, ठीक है। अब बी टू डी जाना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट आई जी और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी, माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी, राइट। अब डी टू ए जाना है हमें, प्रेस करना है, तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्लस प्लस, अब करंट कितना है आपको, टेन माइनस आई वन इंटू आर टू इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं यहां पर, माइनस आई वन इंटू, अब आर वन की वैल्यू कितनी है, टेन, माइनस आई जी निकालना है हमें, है ना, इंटू जी की वैल्यू कितनी है, टेन, प्लस टेन माइनस आई वन की वैल्यू निकालनी है, अब आर टू की वैल्यू कितनी है, ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, माइनस टेन आई वन, ओके, माइनस टेन आई जी, यहां पर क्या होगा, प्लस टेन इंटू ट्वेंटी टू हंड्रेड, माइनस ट्वेंटी आई वन इज इक्वल टू जीरो। माइनस टेन आई वन माइनस ट्वेंटी आई वन कितना होगा, माइनस थर्टी आई वन, ओके, माइनस टेन आई जी इज इक्वल टू, इधर आने पर माइनस टू हंड्रेड, मतलब थर्टी आई वन प्लस टेन आई जी इज इक्वल टू टू हंड्रेड, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। माइनस साइन कॉमन निकाल कर हम कैंसिल कर सकते हैं, ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर वन स्टूडेंट। अब वैसे अगर लूप बी सी डी बी पर वोल्टेज लॉ अप्लाई करते तो और एक इक्वेशन मिलेगा हमें इन टर्म्स ऑफ आई वन एंड आई जी, तो दो इक्वेशन सॉल्व करके हम आई वन आई जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। अब हमें अप्लाई करना है किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर द लूप बी सी डी बी, देखिए बी सी डी बी, अब बी टू सी मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, करंट कितना है आई वन माइनस आई जी और रेजिस्टेंस आर थ्री, तो पहले इक्वेशन लिखते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोडक्ट माइनस, करंट कितना है आई वन माइनस आई जी और रेजिस्टेंस आर थ्री, देन सी टू डी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव, करंट देखिए कितना है टेन माइनस आई वन प्लस आई जी, प्लस इन ब्रैकेट टेन माइनस आई वन प्लस आई जी, ओके, और रेजिस्टेंस आर फोर। नो, अब डी टू बी जाना है, मतलब अगेन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो प्रोडक्ट प्लस होगा, प्लस करंट कितना है आई जी और रेजिस्टेंस जी इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें वैल्यूज रखते हैं, माइनस आई वन माइनस आई जी, ओके, आर थ्री, आर थ्री की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी, प्लस टेन माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू आर फोर, आर फोर की वैल्यू टेन, प्लस आई जी इंटू जी की वैल्यू यहां पर टेन इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ट्वेंटी इंटू आई वन, ट्वेंटी आई वन और ये माइनस, तो माइनस ट्वेंटी आई वन, अब माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी आई जी, देन टेन इंटू टेन प्लस हंड्रेड, माइनस आई वन इंटू टेन माइनस टेन आई वन प्लस टेन आई जी, राइट, और यहां पर प्लस टेन आई जी इज इक्वल टू जीरो। नाउ माइनस ट्वेंटी आई वन और माइनस टेन आई वन टोटल कितना होगा, माइनस थर्टी आई वन, देन ट्वेंटी आई जी, ओके, टेन आई जी और यहां पर भी टेन आई जी है, देखिए, राइट। अब 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 40 आई जी, ओके, देन प्लस ये 100 बच रहा, प्लस 100 इज इक्वल टू जीरो, ओके,
तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस 30 I1 प्लस 40 IG, ओके, इज इक्वल टू माइनस 100। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके स्टूडेंट, ठीक है ना। अब इक्वेशन एक और इक्वेशन दो इन टर्म्स ऑफ I1 एंड IG, दो इक्वेशन हमें मिले। अब ये दो इक्वेशंस से हम I1 और IG की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस 30 I1 है और यहाँ पर माइनस 30 I1 है। अगर हम इक्वेशन एक और इक्वेशन दोनों की एडिशन करते तो ये I1 की टर्म कैंसिल हो जाएगी, है ना। सो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए 30 I1 और ये माइनस 30 I1 जीरो हो जाता है, 40 IG और 10 IG कितना होगा 50 IG, है ना, इज इक्वल 200 और ये माइनस 100 है, मतलब कितना होगा 100। देयरफॉर IG की वैल्यू कितनी आती है 100 डिवाइड बाय 50, सो दिस इज 2 और यूनिट क्या है इसका, एम्पियर है, मिली एम्पियर। तो ये फर्स्ट वैल्यू यहां पर मिलती है हमें, करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, मतलब IG की वैल्यू कितनी होगी यहां पर 2 मिली एम्पियर, राइट। अब हमें हर एक रेजिस्टेंस से कितना करंट पास होता है ये भी निकालना है। अब पहले पासिंग थ्रू R1, मतलब I1 की वैल्यू, अगर हम IG की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखते इक्वेशन और इक्वेशन 2, ओके, तो हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज इक्वेशन 1 में IG की वैल्यू रखते हैं हम, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, यहां पर देखिए 30 I1 प्लस 10, ओके, अब IG की वैल्यू कितनी होगी 2, देन इज इक्वल टू 200, ओके, 30 I1, ओके, ये कितना होगा प्लस 20, अब प्लस 20 इधर आने के बाद माइनस 20, 200 माइनस 20 कितना होगा 180, यहाँ पर 180 लिखेंगे हम, ओके, 00 कैंसिल, देयरफॉर I1 की वैल्यू कितनी आएगी 18/3, दैट इज 6 एंड यूनिट इज मिली एम्पियर। तो R1 रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होता है, दैट इज I1 6 मिली एम्पियर, ओके। नाउ देखिए R2 रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होता है 10 माइनस I1, देयरफॉर करंट पासिंग थ्रू R2 10 माइनस I1, ओके, सो दिस इज 10 माइनस I1 वैल्यू 6, सो दिस इज 4 मिली एम्पियर। तो 4 मिली एम्पियर करंट पास होता है रेजिस्टेंस R2 में से। अब R3 रेजिस्टेंस से कितना करंट पास होगा I1 माइनस IG, है ना, सो करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R3 इज I1 माइनस IG। अब I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू 6 माइनस IG 2, ठीक है, फिर कितना आएगा 4 मिली एम्पियर। तो R3 रेजिस्टेंस से कितना करंट पास होता है 4 मिली एम्पियर, ठीक है। नाउ करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R4 कितना है यहां पर 10 माइनस I1 प्लस IG, देयरफॉर करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस R4 इज 10 माइनस I1 प्लस IG, राइट। अब 10 माइनस I1 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस IG की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां पर कितना होगा, तो यहां पर 10 माइनस 6 प्लस 2, मतलब 10 प्लस 2 12 12 माइनस 6 6 मिली एम्पियर, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब फाइनल आंसर्स क्या हो गए यहां पर, द करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 2 मिली एम्पियर, करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 इज 6 मिली एम्पियर, करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R2 इज 4 मिली एम्पियर, करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R3 इज 4 मिली एम्पियर एंड करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R4 इज 6 मिली एम्पियर, राइट स्टूडेंट। नाउ वी विल डिस्कस अनदर एग्जांपल, ओके, व्हाट इज द एग्जांपल, अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज ऑलमोस्ट बैलेंस्ड विथ पॉइंट सी ग्राउंडेड, मतलब पॉइंट सी यहां पर ग्राउंडेड मतलब अर्थिंग, ओके,
कैलकुलेट द पोटेंशियल एट डी एंड बी, डी पॉइंट और बी पॉइंट पर पोटेंशियल्स निकालने हैं। ऑल्सो फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बी सी, बी सी मतलब आर थ्री की वैल्यू, वुड द ब्रिज बी इन बैलेंस। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए एक यहाँ पर व्हीटस्टोन्स नेटवर्क दिया है, आर वन 10 ओम, आर टू 5 ओम, आर थ्री 20 ओम, आर फोर 11 ओम। ठीक है, पहले ब्रिज बैलेंस है या नहीं ये देखेंगे। यहाँ पर देखिए आर वन बाय आर टू 10/5 कितना आएगा रेशियो 2। ओके आर थ्री बाय आर फोर 20/11 2 नहीं आएगा, अगर ये 10 होता तो यहाँ पर 20/10 कितना आएगा 2 आएगा, मतलब ये ब्रिज बैलेंस नहीं है। ठीक है, बिकॉज आर वन बाय आर टू इज नॉट इक्वल टू आर थ्री बाय आर फोर। अब बी पॉइंट और डी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा क्या, नहीं, बिकॉज रेशियो रेजिस्टेंस का रेशियो सेम नहीं है, मतलब बी पॉइंट और डी पॉइंट सेम पोटेंशियल नहीं, मतलब बैलेंस कंडीशन नहीं है। ओके तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट डी एंड बी, मतलब वी डी निकालना है और वी बी निकालना है। अब ऑल्सो फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बी सी मतलब आर थ्री, वुड द ब्रिज बी इन बैलेंस। अभी ब्रिज बैलेंस करने के लिए आर थ्री की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये निकालना है हमें। ओके अब पहले एस्टिमेट कर लेते हैं हम, जैसे आर वन बाय आर टू रेशो कितना 10/5 2 आता है ना। अब अगर ये बैलेंस कंडीशन है तो आर थ्री बाय आर फोर का भी रेशो कितना आना चाहिए 2। अगर आर फोर की वैल्यू 11 है तो आर थ्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बैलेंस द ब्रिज 22, बिकॉज 22/11 दैट इज 2। तो ये आंसर रहेगा वहां पर, तो वो भी निकालेंगे बाद में। तो पहले यहां पर हमें अब इतना तो क्लियर हो गया कि ये ब्रिज बैलेंस नहीं है, तो बी और डी का पोटेंशियल अलग अलग होगा, तो ये वैल्यूज पहले निकालते हैं हम। ठीक है, अब ये कैसे निकालना है देखिए, यहां पर अपलेट पोटेंशियल कितना है 48 वोल्ट एंड दिस पोटेंशियल इज अप्लाइड बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी, राइट। नाउ यहां पर दो ब्रांचेस कौन से होंगे, देखिए ए बी सी मतलब R1 और R2 सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और ए डी सी यहां पर R2 और R4 सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन एक दूसरे को पैरेलल है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट ए एंड सी। ओके मतलब अक्रॉस ए डी सी एंड अक्रॉस ए बी सी पोटेंशियल सेम रहेगा, और वो कितना रहेगा 48 वोल्ट। ओके इससे हम करंट पहले निकाल सकते हैं, देखिए अलोंग ए डी सी, ओके अलोंग ए डी सी। अब आर टू और आर फोर सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या रहेगा फिर इन दोनों की एडिशन। ओके तो रेजिस्टेंस कितना होगा यहां पर 5+11 दैट इज 16 ओम, और अप्लाइड पोटेंशियल कितना है यहां पर 48 वोल्ट। तो इसे हम अलोंग ए डी सी ब्रांच कितना करंट पास होगा ये निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओके अब देखिए यहां पर V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाय R। ओके तो V कितना है यहां पर 48 डिवाइडेड बाय R, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट 5+11 दैट इज 48 डिवाइडेड बाय 16, तो करंट कितना होगा यहां पर 16 फेजर, तो I इज इक्वल टू 3 एम्पियर, ये करंट हो गया यहां पर। लेट दिस करंट इज I1, तो ये I1 की वैल्यू हम लेंगे। ठीक है ओके अब देखिए थ्रू ADC करंट कितना पास होता है 3 एम्पियर। ठीक है अब अक्रॉस DC पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं, बिकॉज इसमें से करंट कितना पास हो रहा है I1 दैट इज 3 एम्पियर। देखिए अक्रॉस मतलब पोटेंशियल अक्रॉस R4 रेजिस्टेंस, ओके तो यहां पर VDC, बिकॉज
डी और सी के बीच पोटेंशियल। VDC मतलब क्या होता है, पोटेंशियल अक्रॉस D एंड C पॉइंट, मतलब अक्रॉस R4 रेजिस्टेंस। ओके, तो कितना होगा करंट I1, रेजिस्टेंस R4, I1 R4, I1 3, R4 की वैल्यू 11, सो VDC इज इक्वल टू 33 वोल्ट। मतलब अक्रॉस R4 रेजिस्टेंस, मतलब बिटवीन D एंड C पॉइंट पोटेंशियल कितना आ गया 33 वोल्ट। ओके, अब VDC मतलब क्या होता है, VD माइनस VC इज इक्वल टू 33, है ना। मतलब पोटेंशियल एट T माइनस पोटेंशियल एट C, पोटेंशियल डिफरेंस। अब C पॉइंट यहां पर क्या है, विद पॉइंट C ग्राउंडेड, मतलब अर्थिंग, मतलब VC की वैल्यू कितनी रहेगी, 0, बिकॉज इट इज अर्थ कनेक्टेड, अर्थिंग है यहां पर, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। देयरफॉर VD इज इक्वल टू 33 वोल्ट। तो D पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा 33 वोल्ट, राइट स्टूडेंट। ऐसे हम B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा ये निकाल सकते हैं, लेट द करंट पासिंग थ्रू दिस ब्रांच इज I2। ओके, अब I2 की वैल्यू वैसे निकालेंगे हम, देखिए I2 इज इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल V डिवाइडेड बाय, अब यहां पर अलोंग A B C, ओके, रेजिस्टेंस R1 R3 कनेक्टेड इन सीरीज, so 10 plus 20, 30, okay, 10 plus 20, 48 divided by 30, so this is, कितना आएगा ये, 1.6, ampere, इतना करंट रहेगा। Now, potential across BC, okay, मतलब potential across resistance R3, VBC is equal to I2 into R3, I2 R3, okay, it is equal to, अब I2 की वैल्यू कितनी, 1.6 into R3 20, so VBC कितना आ गया यहाँ पर, 1.6 into 20 32 volt। अब VBC का मतलब क्या होता है कि potential at B minus potential at C, तो यहां पर इसको हम VB माइनस VC लिखेंगे 32 वोल्ट, लेकिन C पॉइंट अर्थ कनेक्टेड है तो VC की वैल्यू 0 हो जाएगी, देयरफॉर VB इज इक्वल टू 32 वोल्ट। ओके, तो B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा 32, मतलब दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है क्या, नहीं। हाँ, अगर मतलब ये ब्रिज बैलेंस नहीं है, अगर इसको बैलेंस करना है तो फिर R3 की वैल्यू कितनी होगी ये यहां पर पूछा है, ठीक है। तो इसके लिए हम अगर ये कंडीशन बैलेंस है ऐसे कंसीडर करते हैं तो फिर R1 by R2 is equal to R3 by R4, तो 10 by 5 is equal to R3 की वैल्यू निकालनी हमें इन ऑर्डर टू बैलेंस द ब्रिज, तो R4 कितना है 11, तो यहां पर 2, therefore R3 is equal to 22 ओम। अगर हम 20 ओम के जगह पर 22 ओम रेजिस्टेंस लगाते तो ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा।